इंतजार के बाद आखिर बीजेपी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने पहुंचकर पूजन किया। शहर के आवास विकास कॉलोनी मैदान में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश के 51 कार्यालयों के भूमि पूजन की शुरुआत की है। देश में मोदी के कार्यों को लेकर चर्चा है, उनकी योजनाओं का लाभ जनता तक जा रहा है। जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत खुशी का दिन है और फर्रुखाबाद में भी बीजेपी का जिला कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी, दयाराम साक्य व पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी जैसे नेता हुए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार ने कहा कि कार्यालय में मुख्य द्वार के पास एक कमरा, दाई ओर पुरुष व महिला के लिए अलग अलग बाथरूम, भाजपा जिला अध्यक्ष का कमरा, भाजपा आईटी सेल का कमरा होगा, उसके निकट ही लाइब्रेरी, जिला कमेटी की बैठक के लिए कमरा व इसकी दूसरी मंजिल पर 200 कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कमरे का निर्माण किया जाएगा। ये कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश भर में लगभग 51 ऐसे कार्यालय निर्माण होने जा रहे हैं, जिनका शिलान्यास हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी करने वाले हैं। वो एक जगह इकट्ठे वहाँ पत्थर हैं। उसी समय पर ठीक 1 बजे फर्रुखाबाद में भी हवन पूजन के बाद यहाँ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश शर्मा जी रहेंगे और वो विधिवत पूजन के बाद 1 बजे यहाँ नारियल फोड़कर इस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसका पत्थर वहीं सबका बन गया है, वो पत्थर आ जाएगा और इस निर्माण कार्य यहाँ प्रारंभ होने वाला है, जो 1 महीने के वो 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और इस कार्यालय का एरिया, ये आवास विकास का प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, 310 स्क्वायर मीटर है। मंची, ये भाजपा गठन के बाद पहली बार कार्यालयों का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। ये बहुत जगह कार्यालय थे, कुछ किराए पे चल रहे थे, कुछ वैसे अपना लोग काम चला के करते थे। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, और इसलिए पूरे देश भर में एक अभियान चला, उत्तर प्रदेश में भी चला है। आज सीतापुर में जो और बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय बन चुके हैं। पिछले वर्ष से ये योजना प्रारंभ हुई है और उन कार्यालयों का उद्घाटन भी हो गया है।